यस हेलो वेलकम बैक टू येस है स्वागत है आप सभी का हमारे आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में बिकॉज एग्जाम में बिना दुविधा के जो बच्चा जाएगा वही स्मूथली रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिख पाएगा आपके दिमाग में अभी भी अगर कुछ छोटे मोटे डाउट रह गए हैं जो क्लियर नहीं हुए थे आपके कॉलेज के टीचर्स नहीं कर पाए या ट्यूशन्स में आप नहीं आपको पूछने का मौका नहीं मिला क्लासेस में पूछने का मौका नहीं मिला सो आई एम गिविंग यू दिस चांस डैट आस्क योर एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू इंग्लिश पेपर इंग्लिश पेपर जो आपका परसों यानी 21 फ़रवरी सुबह 11 बजे होने वाला है उससे आपको कुछ भी डाउट है छोटा हो बड़ा हो कैसा भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो एंड मैं आज आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट सॉल्व करने के लिए आई हूं okay? so, yes. चलो जी आस्क योर डाउट एवरी वन एंड बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ वहां अलग अलग जगह जा रहे हो पढ़ाई कर रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना ठीक है एक चीज हमेशा मेरी जिंदगी मतलब जिंदगी में याद करना हसल करना चीजों को पाने के लिए यहां वहां हाथ पैर मारना बहुत ज्यादा जरूरी है घर से निकलना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो उसी के बेस पे आपको एक शायरी और एक मोटिवेशनल चीज सुनाती हूं कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही वाह 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 वा। मंजिल मिलेगी बट भटक कर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं समझे तो हाथ पैर मार के हसल करके जो इंसान कुछ कर रहा है कुछ पाने की कोशिश कर रहा है उसकी पॉसिबिलिटी चीज को पाने की बहुत हाई है जो घर से निकला ही नहीं जो कुछ कर ही नहीं रहा है जो किताब ही नहीं खोल रहा है तो भाई वो तो कुछ कर ही नहीं सकता उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है राइट तो इसी के बेस पे हम शुरू करते हैं आज का सेशन ये चीज आपको क्या याद रखनी है कि भाई जो भी डाउट है पूछो ठीक है चलो तो यहाँ पे बच्चों के सवाल आना बहुत सारे सवाल आना स्टार्ट हुए हैं तो आप लोग को पता है भाई मैं एक अकेली इंसान हूं तो क्या करने वाली हूं एक एक करके सबका आंसर दूंगी तो प्लीज कोशिश करो कि आप देखोगे ना कि कोई दूसरे बच्चे का मैम आंसर दे रहे तो थोड़ा पेशेंस रखो आपके भी सवाल पे मैं आऊंगी तो देखो सबसे पहला सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं जहाँ पे जो मेरे को नजर में आ रहा है कि वेब डायग्राम जो भी टेबल्स है उसको हम पेन से बनाए या पेंसिल से राइट right. तो पहला सवाल का आंसर मैं देने जा रही हूँ इट इज रिकमेंडेड कि आप चीजों को पेन से ही बनाओ बट अगर आप पेंसिल से बना रहे हो तो भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे आपको कोई उसके मार्क्स नहीं कटेगी ये चीज याद रखना ओके okay. जैसे कि मैं एज अ टीचर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बॉल पेन का इस्तेमाल करो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जेल पेन का इस्तेमाल करोगे तो आपको मार्क्स कटेंगे बॉल पेन का बस इसलिए मैं लिखने का बोलूँगी उसमें स्पीड फास्ट होती है फैलने के चांस कम होते हैं राइट तो ये भी बस वही है कि टीचर्स लोग रिकमेंड करते कि आप पेन से लिखो बट आप पेंसिल से टेबल टाइग्राम बनाओगे इंग्लिश की बात कर रही हूँ मेरे को बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बोल रही हूँ मैं इंग्लिश का बोल रही हूँ तो भी चलेगा कोई इश्यू नहीं है आप अपनी कंफर्टेबिलिटी देखो आपको किसमें कंफर्टेबल लग रहा है ठीक है और क्या मैम इंपॉर्टेंट पोयम्स बता दो एप्रिसिएशन का बहुत डर लग रहा है तो कुछ बच्चे एप्रिसिएशन की डिमांड कर रहे हैं मैम एप्रिसिएशन पोयम बता दो तो देखो अब तक अपने कितने पेपर हुए हैं बोर्ड एग्जाम में पांच पेपर हुए हैं राइट दो के जुलाई में हुआ था देन 2022 के फेब में हुआ देन 2022 के जुलाई में हुआ देन 2023 के फेब में हुआ देन 2023 के जुलाई में हुआ तो अपने पास इंग्लिश के पांच पेपर अवेलेबल इसमें आप देखो कि ये पांचों पेपर में कौन कौन सी पोयम्स आ चुकी है आपके सिलेबस में टोटल आठ पोयम है ना तो कौन सी ऐसी पोयम है जो ऑलरेडी आ चुकी है उसको छोड़ के जो तीन पोयम बचेगी उसको आप पहले पढ़ो ये तीन पोयम में से इस साल क्वेश्चन आने की संभावना प्रॉसिबिलिटी हाई है उसी तरीके से आप चैप्टर का भी कर सकते हो पिछले पांच साल में जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे कि चैप्टर नंबर वन से क्वेश्चन आ चुका है पैसे जा चुका है चैप्टर नंबर टू से भी आ चुका है थ्री से भी आ चुका है चैप्टर नंबर एट से आ चुका है और एक बार रिपीट हुआ था कुछ तो तो अपने पास चैप्टर फोर चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स एंड चैप्टर सेवन ये चार चैप्टर बचते जिससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है तो इस साल ये सब चैप्टर में से पैसे जाने की पॉसिबिलिटी हाई है ठीक है क्या चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माइंड मैपिंग का देखो मैंने आपको तो सैम्पल पेपर में बहुत बार पांच पांच बार सॉल्व करवा के समझा दिया आपको माइंड मैपिंग कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या है मैम राइटिंग स्किल में एक्सपांशन ऑफ आइडिया बिल्कुल अटैम कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीच राइटिंग के कंपेयर में आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया ज्यादा बेहतरीन कर पा रहे हो ये आपका सब्जेक्टिव आपका स्ट्रेंथ है तो बिल्कुल आप स्पीच राइटिंग करो बस सॉरी एक्सपांशन ऑफ आइडिया करो कोई इशू नहीं है ठीक है नॉवेल्स पढ़े नहीं जा रही तो मत पढ़ो यूट्यूब में जाके स्टोरी समझ लो बस यूट्यूब में जाके कहानी समझ लो और उसको टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर आपने पेपर में लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे दो में से दो तो नहीं कम से कम वन एंड हाफ और तो मिल जाएगा ठीक है तो अभी स्मार्ट स्टडी करो रीडिंग आपसे नहीं हो पा रही है तो सीधा जाओ यूट्यूब में ठीक है टाइप करो मान लो आपको समरी राइटिंग नहीं जम रहा है नहीं पढ़ने में हो रहा है तो यूट्यूब में टाइप करो हाउ टू राइट समरी राइटिंग समरी एक मिनट यार हाउ टू राइट समरी ठीक है अगर आपको मेरे से पढ़ने तो आगे डाल दो भाई शफकनास ठीक है तो आपके सामने बनी बनाई वीडियो आ जाएगी उसको देखो बस पॉइंटर याद रखो दिमाग में आगे बढ़ जाओ ऐसी आप लोग हर एक पॉइंट में कर सकते हो माइंड मैपिंग का कर सकते हो नॉवल वन नॉवल टू नॉवल थ्री नॉवल फोर सारी पोइम सारी चैप्टर सारे अप्रिसिएशन हो जाए और अपील राइटिंग और फिल्म रिव्यू में से देखो यार मैं तो आपको रिव्यू राइटिंग रिकमेंड करूंगी बट जो बच्चे यहाँ पे क्रिएटिव है आप ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक देख के एक अच्छा सा आ, वो बना सकते हो बोलते हैं ना बैनर टाइप जो अपील में होता है ना फोटो ओटू क्रिएटिविटी बड़ा सा लिख लिख के तो अपील राइटिंग में वही होता है ना बैनर बनाने होते हैं तो आप अपील राइटिंग भी, भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है कुछ कुछ अपील राइटिंग में सिर्फ लिखना होता है क्वेश्चन देखना आप लोग मेरे हिसाब से रिव्यू राइटिंग आप घर से करके जाओगे तो काम आसान रहेगा और क्या सवाल है पर्सनल रिस्पॉन्स दो मार्क्स के लिए कितनी लाइन लिखनी है लाइन पे मत जाओ सेंटेंस पे जाओ और अलग अलग पॉइंटर्स पे जाओ कि आपने कितनी अलग अलग बात लिखे हो ठीक है आपने अगर एक ही बात को खींच के अगर दस लाइन में लिखे हो तो वैसे मार्क्स वैसे आंसर को आधा मार्क्स ही दिया जाएगा क्योंकि आपने पूरी एक ही बात को दस लाइन में खींच के लिखे हो उसी तरफ अगर आप छह लाइन ही लिखते हो लेकिन वो छह लाइन में चार अलग अलग बातें लिखते हो तो आपको दो में से दो दे दिए जाते हैं तो ऑलवेज फोकस ऑन वेराइटी ऑफ पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू राइट रेदर देन क्वान्टिटी एंड एलोबरेटिंग सिंगल पॉइंट एक ही पॉइंट को खींचने से अच्छा छोटा लिखो लेकिन अलग अलग वैरायटी डालो उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एक मिनट रुक जाऊंगा मैं आपको एक कुछ मेरे पास एक शॉर्ट मैंने आपको टेली इसमें भेजी थी ना व्हाट्सएप चैनल पे रुक जाओ वन सेकेंड हा जस्ट गि जो भी बच्चे पूछ रहे हैं मैराथन के बारे में कब आएगा ग्रामर का क्या है तो कल और परसों होने वाला है टाइम जो है आज रात में मैं पूरा शेड्यूल बना के डालने वाली हूँ तो व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है देख लो दो दिन में बहुत कुछ होने वाला है लास्ट मिनट रिवीजन भी होने वाला है एक मिनट रुक जाओ हाँ मैं एक चीज ओपन कर रही हूँ आपके हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए ओके 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 यस और क्या पूछ रहे हो थोड़ा थोड़ा ज्यादा फास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा वो जा रहा है फास्ट हो रहा है एक मिनट मैं देखूंगी देखूंगी जस्ट गिव मी मिनट अभी मैं आपके सामने एक पेज लगाने जा रही हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ये देखो ये आपके सामने भी जो आपको दिख रहा है ये आपके सारी के सारी पोयम का एकदम शॉर्ट में एक ही पेज के अंदर पूरा लिखा हुआ है राइट तो अभी पोयम के बारे में देखो कोई कुछ भी सवाल मत पूछना क्योंकि उसका सोल्यूशन में अभी आपको लास्ट दे रही हूँ ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ये सेम पेज मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल दी हूँ आप क्लियरली दिख जाएगा तो अगर ब्लर आ रहा है तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये पोयम नंबर एट मतलब ऐसा है पोयम नंबर एट है ये सेवन है ये सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है तो हर पोयम का एकदम सिस्टमेटिक है कि भाई पे, अपनी पहली पोयम का नाम क्या है उसके राइटर कौन है ये पोयम का राइमिंग स्कीम क्या है कौन-कौन से है? थीम मैसेज. तो बहुत हेल्पफुल रहेगा रिविजन के लिए इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी पहले तो आपको हेल्प तो एक्टिवेसोल्व के लिए दूसरा ऑफकोर्स आपको एप्रिसिएशन में हेल्प मिलेगी इससे क्या होगा देखो गौर से सुनो गौर से सुन आपको मैं क्या बोल रू सेम कॉपी पेस्ट मत करना क्योंकि एप्रिसिएशन को अपने को पैराग्राफ में लिखना है ये बस अपन ने नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि अपना माइंड को आसान चीज लगे अपना माइंड बहुत चालाक होता है उसको कुछ भी चीज अपन कॉम्प्लिकेट करते हैं कुछ हार्ड करते है ना तो गिव अप करता है बोलता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा तो माइंड को के लिए अपन चीजें सिंपल करेंगे बेसिक करेंगे सिस्टम बनाएंगे ना माइंड के लिए तो उसको भी आराम मिलता है तो डेट इज वाई अभी आपको मान लो पोयम नंबर फाइव पे आ गया एप्रीसिएशन तो क्या ये लिख क्या हो गे? ये कंटेंट यही रहेगा बट इसको लिखने का तरीका आपका कैसा रहेगा पैराग्राफ टाइप कैसे uh, जैसे कि द पोयम फादर रिटर्निंग होम इज रिटन बाय पोएट दिलीप चित्रे दिस पोयम एनी काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम दिस पोयम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स

ओके चलो आ जाओ और क्या है आपका डाउट ये दे दी आपको कॉमन आंसर मिल गया ना अब कुछ और पूछो एक पेज लिख दो एक पेज काफी है या वन एंड हाफ पेज भी काफी है मैंने आपको जो टॉपर्स की आंसर शीट सेंड की जिसको पिछले साल 96 मार्क्स मिले हैं वो आप रिफर करो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगी ठीक है व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे सब कुछ आ रहा है ठीक है वरना पीछे रह जाओगे और नॉवल की स्टोरी समझ ली आपने दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और क्या करूं बस बस काफ़ी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना कर लियो नॉवल की स्टोरी आपने समझ लिए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो पीवाई क्यू की प्रैक्टिस हो गई है देन डेट्स इट आपको अभी नॉवल में और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज करो ग्रामर पे फोकस करो राइटिंग स्किल के फॉर्मेट को अच्छे से और सुधारो आप कोशिश करो कि मैं जो एग्ज़ाम में जो भी कॉमन वर्ड लिखूंगा उसको रिप्लेस करके मैं और अच्छे वर्ड का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ राइट तो वो कैबलरी मतलब चार पांच जगह भी आपने कॉमन वर्ड की जगह कॉमन वर्ड की जगह एडवांस वर्ड का इस्तेमाल करके आए और वो एडवांस वर्ड को अंडरलाइन करे तो एग्जामिनर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा इम्प्रेस हो जाएगा इम्प्रेस ठीक है छोटी मोटी चीज करो बट करो ये इंपॉर्टेंट है करना इंपॉर्टेंट है याद रख लो लोग बस सुनते हैं करते नहीं है यहाँ पे भी डेढ़ हजार बच्चे सुन रहे हैं बट करके सिर्फ देखना दस पंद्रह बच्चे ही आएंगे तो वही तो आगे निकलेगे ना उन लोग को लगता है छोटी मोटी चीज यार रह दो ना क्या होगा एग्जामिनर थोड़ी देखेगा अरे भाई एग्जामिनर वही चीज देखेगा छोटी मोटी चीज से ही आपका पेपर अलग बनेगा कोई आपको कोई अलग चीज नहीं उखाड़नी आपको कोई पेपर सोने के पेन से नहीं लिखना है या सोने की चांदी की इंक से नहीं लिखना है सब लोग बच्चे वही चीज लिखेंगे सिर्फ हल्के फुल्के आपने अगर चेंजेस लाया वो चीज आपने हाईलाइट करके अपने पेपर में डाल दी एग्जामिनर की नजर पर पकड़ेगा वो और वो इम्प्रेस होगा ठीक है और ब्लैक पेन ब्लू पेन का झमेला मत करो यार मैं तो आपको सिंपल बोलूंगी ब्लू पेन बेस्ट पेन है फॉर्मल पेन है स्टूडेंट लोग को टीचर लोग चाहते हैं, आप लोग ब्लू पेन से ही आंसर दो चीजों को थोड़ा रंग लाओ ब्लैक और वाइट दुनिया अच्छी नहीं लगती है लोगों को कलर पसंद है तो ब्लैक और व्हाइट मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही क्या फिर से अगेन आप ऐसा मत समझना जो बच्चे ब्लैक से लिखेंगे तो उसको कम मार्क्स मिलेगा थिंग्स जो मेरे को पसंद आएगी एक स्टूडेंट करेगा तो तो ब्लू कैसा कलर वाला है तो वो पढ़ने में थोड़ा उभर के आता है ब्लैक पेन व्हाइट के साथ कैसा ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा बोर हो जाता है ठीक है सो डोंट वरी जस्ट यूज सिंगल ब्लू बॉल पेन विथ

ग्रामर का जो भी बच्चा सवाल पूछ रहे हैं ग्रामर कैसे करे ग्रामर कैसे करे देखो ग्रामर तो सिंपल सा रूल्स होता है अलग अलग अपने टॉपिक है टेंसेस टेंसेस कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ने उसको रटा है टेंसेस इज ऑल अबाउट रूल्स कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की ये वाली फॉर्म लगेगी सिंपल कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो आपको वो बस टेबल अगर पता है तो आप कर लोगे राइट तो बिना ये सब रिफरेंस के बिना जैसे कि आपका एक मैथ्स का मान लो कोई थियरम है तो थियरम आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके बैक एंड में आपके पास एक रिफरेंस है कुछ फॉर्मूले का फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपके पास कोई फॉर्मूला या कुछ लॉग कुछ नहीं है वैसे ही ग्रामर में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको पीछे के रूल्स नहीं पता है राइट right? तो कल मैं ग्रामर पे मैराथन लेने वाली हूँ यूट्यूब में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ग्रामर का कल मैराथन होने वाला है सारे के सारे बच्चे जुड़ना मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक एक ही वीडियो में कराऊं जहां पे हम आपके पीवा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे तो ग्रामर का अब प्लीज सवाल खत्म करो पोयम की कहानी खत्म हो गई ग्रामर का हो गया ठीक है कल मैराथन होगा अब और कुछ सवाल है आपके पोयम को छोड़ के और ग्रामर को छोड़ के क्योंकि मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना वरना पोएम का मैंने बता दी ग्रामर का बता दी अब बताओ टाइम मैनेजमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखो फोर्टी 40... नहीं सॉरी ग्रामर टाइम मैनेजमेंट जो बच्चे का सब पढ़ लिख के हो गया है बस उनको दिक्कत आ रही है पेपर को टाइम पे क्योंकि आप, आपके हाथ में तीन घंटा और दस मिनट है ये दस मिनट तीस साल के बच्चों का एक्स्ट्रा दिया गया है तो गौर से सुनो ये फॉर्मूला याद रखो थर्टी 30... फोर्टी थर्टी थर्टी फोर्टी ठीक है मतलब 30, 40, 30, 30, 40. ये क्या है minutes है, ठीक है तो अपना जो scene passage होता है ये आपका 30 के अंदर हो जाना चाहिए अनसीन पैसेज इंक्लूडिंग समरी राइटिंग एंड माइंड मैपिंग आपका फोर्टी मिनट्स में हो जाना चाहिए पोयम अलोंग विथ एप्रिसिएशन आपको थर्टी मिनट्स में लिख के हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करो घर से ही कि आप एप्रिसिएशन जो लिख रहे हो टाइमर लगा लो कि पंद्रह मिनट के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करो ठीक है उसके अलावा राइटिंग स्किल आधे घंटे में आराम से हो जाएगा क्योंकि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बहुत छोटा होता है बाकी सब दस दस मिनट भी दोगे तो हो जाएगा ठीक है देन लास्ट है अपना नॉवल ठीक है तो इसको भी अगर अपन प्लस करते हैं थर्टी फोर्टी थर्टी थर्टी फोर्टी कितना होता है वन सेवेंटी मिनट्स आपके हाथ में कितने थे वन नाइनटी मिनट्स आपके हाथ में यानी बीस मिनट पहले आपका पेपर डन हो जाएगा 20 मिनट आपके हाथ में बचेगा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा काम आपको सीन पैसेज में कम टाइम पड़ा तो इसमें से ले लो तो कोशिश करो कि आप जो है अस्सी मार्क्स का पेपर तीन घंटे में कंप्लीट करना है ये टारगेट मत रखो आप ये टारगेट रखो कि मेरे को सेक्शन वन जो है सीन वाला वो तीस मिनट के अंदर करना है क्योंकि अगर ये तीस मिनट के अंदर नहीं हुआ तो मेरे बाकी के सेक्शन छूट रहे हैं छूट रहे हैं छूट रहे राइट right? तो ये चीज है कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्मार्ट वॉच अलाउड है क्या नहीं स्मार्ट वॉच आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है क्योंकि आजकल स्मार्ट वॉच में डिजिटल सब अफकोर्स चीज है व्हाट्सअप है गैलरी वैलरी भी ओपन हो जाती है तो सिंपल बेसिक सी वॉच पहन के जाना क्योंकि टाइम का अपने को अंदाजा होना चाहिए वैसे वहाँ पे आपके एग्जाम में आपको टीचर बताते रहते हैं कि अभी दो घंटा बचा है एक घंटा बचा है बेल भी बचती रहती है पानी साथ में लेके जाना वाटर बॉटल जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम है ब्लड का या कुछ भी तो पानी में ग्लूकोन डी मिला लेना हेल्पफुल रहेगा ठीक है तो आ, मतलब ज्यादा पानी मत पीना फिर वरना बार बार जाना पड़ेगा वन नंबर और क्या है सवाल आप लोगों का हाँ इंटरव्यू जो है वो दो टाइप का आता है जो इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका राइटिंग स्किल का एक थियोरी टाइप आता है और एक टेबल टाइप आता है तो थियोरी वाला अगर क्वेश्चन है ना तो वहां पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है देन आपको आठ से दस क्वेश्चन बनाने हैं एंड देन कंक्लूजन लिखना है ठीक है अगर थियोरी वाला क्वेश्चन आया है इंटरव्यू राइटिंग में तो आपके आंसर का फॉर्मेट ये होना चाहिए और अगर टेबल आया है तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो टेबल जो भी होगा उसको फिल करना क्वेश्चन में जो भी टेबल दिया गया है बस वो टेबल अपने आंसर शीट में बनाना और जहां जहां जगह खाली थी वो फिल करना ठीक है तो टेबल वाले क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है नॉवल के क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए क्या ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हाँ एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया बट ऐसा कुछ भी नहीं आप पिछले साल के क्वेश्चन देख लो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो एक्सरसाइज से पूरे आते हैं नॉवल की अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा और कुछ कंपेयरिंग अटेम्प्ट किए तो चलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो कंपेयरिंग में एक्सपर्ट हूँ होस्टिंग में बचपन से करते आया था तो यस यू कैन अटेंड कंपेयरिंग क्वेश्चन ये भी स्कोरिंग है ऐसा नहीं है स्कोरिंग नहीं है ये भी स्कोरिंग है मस्त है ये भी यू कैन अटेंड कंपेयरिंग क्वेश्चन ऑल्सो डोंट वरी और क्या बोलोगे हाँ जो आपका पैड होगा राइटिंग पैड वो ट्रांसपेरेंट रखना क्योंकि बहुत सी शायद आपको जो भी आपका सेंटर है कॉलेज वालों ने पहले इन्फॉर्म होंगे ठीक है ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड जो होते राइट ऐसे टाइप मतलब व्हाइट कलर के या कोई भी दूसरे कलर के भी चलेगी बट वैसे तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ठीक है हाँ अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास वुडन का है या कुछ और है तो उनका कुछ प्रॉब्लम होगा जैसे बताइ रिकमेंडेशन होता है ये चीजों का यहाँ ये लेके जाओ तो आप एकदम सेफ हो कभी कभी ऐसा होता है मतलब क्या होता है वुडन वाले में बहुत बार ऐसा पाया गया है कि उसमें चीटिंग पाई गई है मतलब बच्चे लोग आंसर लिखते हैं दैट इज वाई देखते हैं आपके अगर कॉलेज जहाँ पे भी आपका सेंटर लगा है वो अगर ज्यादा हार्ड नहीं है टफ नहीं है तो लोग अलाउ कर देंगे अगर आप एकदम सेफ साइड प्ले करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट पैड लेके जाओ मैम रिव्यू राइटिंग को पॉइंट में लिखे या पैराग्राफ में रिव्यू राइटिंग आप पैराग्राफ में ही लिखो रिव्यू राइटिंग और एप्रिसिएशन पैराग्राफ में लिखो आप पैराग्राफ को दो दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो चलेगा समझे मतलब आपने ऐसा एक पैराग्राफ लिखे ठीक है फिर दूसरा पैराग्राफ लिखे फिर तीसरा लिखे चलेगा कोई इशू नहीं है किसकी मैं बात कर रही हूँ रिव्यू राइटिंग एंड एप्रिसिएशन पॉइंट का मतलब क्या ऐसा पॉइंट वन फिर आंसर लिखे पॉइंट टू फिर आंसर लिखे पॉइंट 3 तो नंबर नंबर नहीं डालना है अपने को इंग्लिश में कुछ ये इकोनॉमिक्स अकाउंट्स ओसीएम का पेपर नहीं है इंग्लिश है इंग्लिश में भाई आपका स्मूथनेस फ्लो ऑफ राइटिंग देखा जाता है कि आप कैसे एक आंसर को प्रॉपर तरीके से मजेदार बिना अटके एक फ्लो में लिख सकते हो और क्या बोल रहे हो फिगर ऑफ स्पीच का भी मैं आपको लिस्ट देने वाली हूं मैं आपको बताती हूँ रुक जाओ सब लोग यहीं पे बने रहो मिनट किधर है वो डॉक्स हाँ। मैंने ये काम एक महीने पहले से करके रखी थी कि आपके टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोयम है कहा गया वो एस FOS. अच्छा दूसरा अकाउंट खुला हुआ तो ये काम मैंने आप लोगों के लिए एक महीने पहले ही करके रखी थी मेरे को पहले दे देना चाहिए था बट आ, इसको थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग करने के चक्कर में तो देखो मैंने क्या करी हूँ ये ना डॉक्स में आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई हूँ तो आप फिगर ऑफ स्पीड जो है वो आपकी पोयम में से ही आने वाला है है ना तो जो भी पोयम की लाइन सीमिली है आटो पोयम की वो मैंने एक साथ लिख दी हूं पहले तो अपन ने यहाँ पे लिखे देखो सीमिली सीमिली का मतलब क्या होता है डायरेक्ट कंपैरिजन अब आपकी पोयम नंबर टू दिख रही है पोयम नंबर टू की ये वाली लाइन जो है ना वो सीमिली है उसी तरीके से पोयम नंबर टू मतलब पॉइंट मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी पोयम नंबर 3, कि ये वाली है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी पूरी की पूरी इसकी लिस्ट बना दी कि सीमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपके इंग्लिश सिलेबस की कौन कौन सी लाइन का है ठीक है अब उसी तरीके से अपना कौन है नेक्स्ट है मेटाफर नेक्स्ट है अपना मेटाफर तो मेटाफर अपने कौन कौन सी पोयम में आया है उसका लिस्ट यहाँ पे बना के लिखा हुआ है बहुत हेल्पफुल है ये काम कोई भी आज तक की डाइजेस्ट ने आपके लिए नहीं किया है ये खुद मैंने बैठ के की हूँ क्योंकि मैंने देखी कि ऐसा कहीं पे भी नहीं और बच्चों के लिए अवेलेबल होना चाहिए तो ये खुद ही मैंने बनाई हूँ बैठ के टाइपिंग वाइपिंग पूरा अब उसी देखो मतलब टोटल टूवे लाइन ट्वेंटी टू लाइन ऐसी है आपके इंग्लिश पोयम की जो मेटाफर की है, फिर आता है, फिर एंटीथेसिस एंटीथेसिस तो का भी आप देख सकते हो कौन कौन सी लाइन ऐसी है, जो तो है। है, एंटीथेसिस है, है और इसी में से आएगा जो भी आएगा ठीक है टोटोलॉजी का सिर्फ दो ही है देख लो एलिट्रेशन का तो भाई भर भर के एलिट्रेशन अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है उसी तरीके से नेक्स्ट कौन है अपना एलिट्रेशन के बाद क्या है जल्दी बताओ एलिट्रेशन बहुत सारे हैं पूरी पोयम में हर जगह एलिट्रेशन एलिट्रेशन ने पूरा अपना रायता फैला रखा है <laughs> अरे भाई हाँ फिर आता है अपना रेपिटेशन तो देखो कौन कौन सी पोयम है जहाँ पे रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है पूरा एक साथ मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के विथ एक्सप्लेनेशन लिख दी हूँ देन इंटरोगेशन की भी सेम कहानी है एपोस्ट्रोफी हाँ, अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है कि क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है आपकी कोई भी पोयम में यानी क्लाइमैक्स आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं पर का कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है ये पूरा लिखा हुआ है राइट तो कितनी हेल्फुल, कितना हेल्पफुल है देखो आप लोगों के लिए इनवर्जन तो ये पी जो है ये मैं अपने नाज एकेडमी ऐप पे अपलोड करने वाली हूँ आज रात में आप नाज एकेडमी ऐप डाउनलोड करो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा एनोमेटोपोईया कौन कौन सा है ये वाली सब लाइन है टोटल सात लाइन ही है आपकी पोयम की जहां पे एनोमेटोपोया का इस्तेमाल किया गया है ठीक है बस इसको आप एक बार रीडिंग कर लोगे आपको बेसिक कुछ आपको याद नहीं करना है बैठ के बस एक बार रीडिंग देनी है ठीक है इतना ही है यहाँ पे खत्म हो जाता है लास्ट एक्सप्लेनेशन पे ओके तो चलो फिगर ऑफ स्पीच की कहानी खत्म हो गई पोयम का मैंने आपको सोल्यूशन दे दी ठीक है ये रहा पोयम का एप्रिसिएशन का डन हो गया फिगर ऑफ स्पीच का डन हो गया ग्रामर का कल गेम खत्म करेंगे अब उसके अलावा कुछ दूसरा डाउट है क्या बताओ टाइम मैनेजमेंट का बता दी फॉर्मूला बताओ और कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों की फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए चलो ठीक है आ जाएगा डिमांड कर दी अपने बच्चों ने तो अब लाना ही पड़ेगा मैं लिख लेती हूँ यार आप लोग की जो भी डिमांड है ना जो अभी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी उसके लिए प्रॉपर सेशन मेरे को लेना है तो मैं लिख ले रही हूं जैसे कि ग्रामर का मैराथन मेरे, मेरे को लेना है बच्चे डिमांड कर रहे हैं एक मिनट मेरे को लिखना है ना इसलिए थोड़ा स्टूडेंट्स माय माय स्टूडेंट्स डिमांड ग्रामर मैराथन फिगर ऑफ ऑल फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेनेशन लास्ट मिनट रिविजन चलो तीन चीज लिख दी अब और कुछ बताओ मैम पी क्यू रिपीट होते हैं क्या इंग्लिश के उसमें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ठीक है इंग्लिश के उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है एक आइडिया बस अपने को मिल जाता है क्या क्या कैसे क्वेश्चन हाँ हाँ मैंने लिख दी लिख चैप्टर मतलब लास्ट मिनट रिवीजन में मैं आपको सारे चैप्टर सारी पोयम और बाकी सब चीज का रिवीजन करवाऊंगी और कुछ एक मिनट ना थोड़ा फास्ट में को रोकना पड़ेगा थोड़ा हम्म नॉवल सेक्शन को पहले लिख सकते हैं क्या आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो कोई भी इसमें दुविधा या कोई भी इशू नहीं है बट हाँ एक थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए चीज टफ हो जाती है बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं नॉवल पहले कर रहा हूँ ना तो मेरा पेपर बहुत जल्दी फिनिश हो रहा है मेरा काम ज्यादा आसान हो रहा है तो आप करो जस्ट एक चीज याद रखना क्वेश्चन नंबर बस क्लियरली अच्छे से डालना क्योंकि क्वेश्चन नंबर फिर आप गलत मत डालना ठीक है आपको सेक्शन पीछे आगे पीछे करना ही है ना अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अगर चीज़ों को आगे पीछे लिख के अटैम्प कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा बेनिफिट हो रहा है तो ही करो और क्वेश्चन नंबर बस अच्छे से डालो डोंट वरी मार्क्स मिलेगा आपको मैंने बताई थी पिछले साल ही जो बच्चे को नाइन्टी फोर मिला है और इकोनॉमिक्स में नाइन्टी नाइन मिला है ओ में नाइन्टी मिला है वो बच्चे ने लास्ट का क्वेश्चन पहले अटैम्प किया डिटेल क्वेश्चन जो होते हैं उसको पहले धनादन 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 जितना लिख सकता था उसने आधे पौने घंटे में लिखा देन उसने ऑब्जेक्टिव उस बाकी के चिंदी चिंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो उसकी स्ट्रेटेजी होगी वो घर से सोच के गया होगा आप देखो आपको क्या जम रहा है बस मेन वो ये क्वेश्चन नंबर सही डालना एग्जाम और ट्वेल्थ फेल पे लिख सकते हैं क्या हाँ, लिख सकते हो रिव्यू राइटिंग कोई भी चलेगा जेल पेंसिल लिख सकते हो कोई इश्यू नहीं है मार्जिन कैसे बनानी है पेपर मान लो आपका ये पेपर है ठीक है ये रहा आपका एग्जाम का पेपर तो यहां पे देखो एक लाइन पहले से बनी हुई होती है ओके तो ना आप क्या करो सिर्फ एक लाइन यहाँ पे खींच दो यहाँ पे भी खींच सकते हो मतलब मार्जिन के आउटसाइड भी खींच सकते हो यहाँ पे भी खींच सकते हो मार्जिन के आउटसाइड में या जो मेन मार्जिन उसके अंदर भी खींच सकते हो अब एक चीज याद रखना आपने यहाँ पे जो मार्जिन खींचे हो तो मैंने देखो अभी जो लाइन मैं जो एरिया को ब्लू कर रही हूं ना वहां पर प्लीज कुछ मत करना जो एरिया को मैं ब्लू कर रही हूं ना वहां पे आप अपने आंसर शीट में कोई भी क्वेश्चन नंबर मत लिखना क्यों क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपको आंसर चेक करके मार्क्स देता है तो उसको मार्क्स लिखने की जगह देना थोड़ा वरना कंफ्यूज हो जाएगी आपका क्वेश्चन नंबर और उनका मार्क्स एक ही जगह लिखा हुआ है ठीक है तो ये काम जरा आप अपने एग्जामिनर के लिए आसान करना इतनी खाली जगह आप अपने एग्जामिनर के लिए छोड़ देना ताकि आप वो आपको मार्क्स दे खुली खुली जगह पे ठीक है और कुछ एक मिनट हम्म जो अभी आपने पीडीएफ दिखाया उसका पीडीएफ इधर पे मनाज एकेडमी ऐप के फ्री मटेरियल स्टडी मटेरियल में अपलोड होगा आज रात से पहले पक्का वाला प्रोमिस ठीक है हो जाएगा अभी सैंपल पेपर भी मैंने आपको जो प्रोमिस क्यूँ व्हाट्सएप चैनल पे तीन सैंपल पेपर भेजूंगी इंग्लिश के उसमें से आपको अटैम्प करके मेरे को कहा भेजना है जल्दी मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो ठीक है एग्जाम के बाद भी जुड़े रहना है अपने को ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम हो गया तो फिर कहानी खत्म नहीं मैं अपने बच्चे लोग से जुड़े रहूंगी ट्वेल्थ के बाद भी राइट तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो मेरे को मैसेज करो आप अपना आंसर शीट सॉल्व जो आपने किए हो उसका पीडीएफ बना के भेजो आपको भी खुशी होगी कि यार मैंने ना एग्जाम से पहले क्या किया हूं क्वेश्चन को सॉल्व करके मैम को भेजा हूं अब मेरे को कोई डरने की बात नहीं है मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ बाकी का हम देख लेंगे नोवेल नॉवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखो जितने भी आपके नॉवल्स है नॉवल टू नॉवल थ्री एंड नॉवल फोर ये तीन नॉवल में से जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना पहले तो क्या करो हर कैरेक्टर का स्केच याद करना पड़ेगा आपको मतलब नॉवल नंबर टू में जो और हर सॉरी हर कैरेक्टर मैं नहीं बोलूंगी मेन कैरेक्टर जो भी मेन कैरेक्टर है ना अपने स्टोरी में उसके बारे में बस जान लो जैसे नॉवल नंबर टू में ई आर ब्रेथवर्ट दे जोसेफ मिस फिलिप्स ये चार लोग के बारे और फरमान इसके बारे में ये चार लोग के बारे में जानो पोयम नंबर नॉवल नंबर थ्री जो आपकी है इसमें फिलिप्स फॉग औधा टू डिटेक्टिव फिक्स ये चार लोग के बारे में आप लोग जानो क्योंकि कैरेक्टर स्केच हर साल देखा जा रहा है कि आ रहा है नॉवल नंबर फोर साइन ऑफ फोर में किसका याद करोगे अपना जो है शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन मैरी स्पेशली ये तीन लोग का ये आप क्या करो कैरेक्टर uh, स्केच याद करो ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर हर नॉवल की थीम याद करो थीम राइट कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो ये आंसर चिपका देना बुक रिव्यू बिल्कुल बिल्कुल बुक रिव्यू देखो फिल्म रिव्यू भी आ सकती है या तो बुक रिव्यू आएगा ये दोनों में से कोई भी एक आएगा बट क्या हो रहा है बहुत बार फिल्म रिव्यू फिल्म रिव्यू फिल्म रिव्यू आया है एक बार बस कहीं पे आई गेस जुलाई के पेपर में कहीं बुक रिव्यू आया था है ना तो पॉपुलर फिल्म रिव्यू है तो पहले फिल्म याद करो वो तो कर भी लोगे यार आपने जिंदगी में कितनी मूवीज देखे हो कोई एक आपकी फेवरेट मूवी चूज करो उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल निकाल दो उसका आंसर बना दो ना कौन सा टफ है और इन बुक पे भी आ सकता है तो बुक पे भी आपको याद करना पड़ेगा बर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम शिद्दत के साथ फिल्म याद करके गए और एग्जाम में देखे तो बुक आ गया तो डेट तो इज वाई प्लीज बुक पे भी याद करो एक आपको टिक बताऊ आपको एक मैं शॉर्टकट बताती हूँ कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी है जो बुक भी है और उसके ऊपर मूवीज भी बनी है यानी स्टोरी सेम है स्टोरी सेम है आपको स्टोरी अलग नहीं लिखनी पड़ेगी जैसे कि काई पोचे ये वाली जो फिल्म है इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है और यही स्टोरी पे मूवी भी बनाई गई है तो आपको काइपोची अगर आप नहीं पिक्चर पिक्चर पे याद करें तो बुक आए या मूवी आए आपको दोनों सेम लिखना पड़ेगा बस यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी अलग कर देना कि बुक में आप लैंग्वेज के बारे में लिखोगे मूवी में उसके आ, एडिटिंग एनिमेशन के बारे में लिखोगे है ना उसी तरीके स्टोरी तो सेम रहेगी ना उसी तरीके से जो चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड है थ्री इडियट थ्री इडियट है ना तो ये सब कुछ ऐसी स्टोरीज है ना जो बुक में भी लिखी गई है और यही स्टोरी को मूवी में कन्वर्ट किया गया है अब आपको थोड़ा चलाक यहाँ पे करनी पड़ेगी स्टोरी सेम है लेकिन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए ना कि बुक का लिख रहे हो तो आप वहाँ पे क्या बात करोगे कि दिस स्टोरी मतलब उसने प्रेजेंटेशन में कैसे लिखोगे कि ये बुक जो है बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है वो ये सॉन्ग्स की बात करोगे उसकी समझे अब मैंने आपको देखो बहुत सारी ट्रिक बताते जा रही हूँ आपका काम आसान करने के लिए और बताओ हाँ ट्वेल्व फेल बिल्कुल बिल्कुल ट्वेल्व फेल भी पहले एक ये थी किताब थी देन उस किताब को मूवी में कन्वर्ट किया गया तो कितना आसान हो गया ना आपका काम ये पिक्चर आपके दोनों में हेल्प कर देगा बुक भी बुक पे भी आया तो भी यही पिक्चर लिख देना मूवी पे आया तो भी यही लिख लेना और कुछ डाउट है मेरे स्टूडेंट्स के अरे बाबा एक स्टूडेंट बोलिए मैं साउथ कोरिया फिल्म पे रिव्यू लिखू क्या टीचर मार्क्स काटेगा क्या क्योंकि मेरे को मैं तो नहीं बता सकती क्योंकि ज्यादातर तो स्टूडेंट नहीं लिखते ऐसी बाहर की मूवीज पे बट अगर आप प्रॉपर लिख रहे हो तो मार्क्स मिल जाएंगे बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी और कुछ है क्या बताओ राइटिंग स्किल की तो कहानी खत्म हो रही है मैम एक प्रोअप की लिस्ट मिल सकती है क्या बिकॉज मुझे प्रोवप में इशू आता है ओके okay, तो एक स्टूडेंट है वो बोल रही कि जैसे कि उसको कुछ हटके करना है उसको अपने आंसर्स में प्रोअप से एड करने से मैं बार बार बोलती हूँ पर्सनल रिस्पॉन्स की एंडिंग प्रोअप से करो राइटिंग स्किल के पीछा की में कुछ प्रोअप डालो है ना प्रोअप को बहुत मैं वो करती हूँ तो एक बच्ची बोली मैम कुछ लिस्ट दे दो ठीक है मैं आज रात बैठ के काम कर लूंगी कि आपकी जो भी आ, पोयम है चैप्टर है उसकी हर थीम से रिलेटेड कुछ प्रोअप है उसका लिस्ट बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी कभी कल क्योंकि आज ये रात में बैठी करूंगी ना काम तो कुछ कुछ ऐसी चीज है जो ऑफ़ कोर्स मैंने अभी नहीं दी हूं आपको तो वो मेरे को आपको देना है तो ये भी मैंने लिख दी चार चीज हो गई यहाँ देखो मैंने लिखी प्रॉपर ग्रामर मैराथन सारे फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ चैप्टर एंड पोयम एंड लिस्ट ऑफ प्रोवर्ब्स ठीक है चार चीज लिख दी हूं और कुछ हाँ मैं जो लास्ट मिनट रिवीजन लूंगी ना तो उसमें देख लो मैं बता देती हूँ बाबा आप लोगों क्या क्या, क्या कराऊंगी राइटिंग स्किल कराऊंगी चैप्टर्स कराऊंगी पोयम्स कराऊंगी ठीक है और कल ग्रामर होगा नॉवल तो मैंने अभी रिसेंटली कराई हूं ना नॉवल नहीं कराऊंगी य नॉवल जो है मैंने ऑलरेडी अभी आपको रिसेंटली कराई दिनेश सर के चैनल पर तो वो वाला वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हो पूरा तीन घंटे में आपको पूरी चारो नॉवल अंग क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करा दी तो नॉवल अभी नहीं कराऊंगी वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा टाइम देके मतलब मतलब अच्छा कुछ और हम ना कर ले कुछ दूसरी चीज जो हमने अब तक नहीं किया है तो ग्रामर राइटिंग स्किल चैप्टर पोयम और हाँ, हाँ लिख सकते हो ना क्यों नहीं लिख सकते ओन वर्ड में आंसर आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में नॉवेल के आंसर आप ओन वर्ड में लिख सकते हो और ओन वर्ड में लिखने वालों को ये ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनर खुश होता है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है ना समझ के लिख रहा है सब हम्म और क्या वो � ऐसा कुछ भी कुछ है नहीं कि पहला कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है दूसरा कौन सा करना है ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी फ्लो के साथ जाओ सिर्फ एक है कि अनसीन पैसेज को आप एंड में कर सकते हो क्योंकि तो अनसीन पैसेज में बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं अनसीन पैसेज में ना वहाँ पे आपको बहुत सी चीजें ढूंढनी पड़ती है नहीं मिलती है तो ना क्या होता है माइंड स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या करूं तो इससे अच्छा इसको एंड में देखने का जब तक अपन जो घर से पढ़ के गए हैं पोयम का एप्रिसिएशन राइटिंग स्किल में रिव्यू राइटिंग नोवेल की सारी स्टोरी सब ये सब कर लिए देन अनसिन पैसेज में आओ राइट तो जो चीज घर से करके गए हैं पहले वो धनादन धनादन लिख देने का अनसिन पैसेज कुछ न्यू रहेगा जो आपने घर पे नहीं पढ़ा है कुछ अलग सा होने वाला है तो उसको एंड में कर लो ठीक है और क्या बोल रहे हो प्रोस में सिर्फ प्रोज अगर अभी आपका पढ़ के नहीं हुआ है ना तो ज्यादा टेंशन मत लो पैसेज से आधा काम आपका हो जाएगा बस एक चीज रहेगा कि आपने घर से पढ़ के नहीं गए हो तो पैसेज आपको पैसेज में आंसर ढूंढने में बस टाइम लगेगा क्योंकि जो बच्चे ने घर से चैप्टर पढ़ के गया है तो शायद उसको पैसेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वो ट्रू फॉल्स खुद ही आंसर लिख देगा की हाँ भाई इसका आंसर ट्रू है इसका फॉल्स है जो बच्चे ने नहीं पढ़ के गया है घर से तो उसको आंसर पैसेज से ढूंढने पड़ेगा तो ये बस आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेगा डेट इट अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो फटाफट लिख देना और क्या क्या बात है शेख आयशा बोलिए मैम मेरा तो सब हो गया मस्त चिल क्या बात है ग्रेट ग्रेट और कुछ सवाल बहुत सारे सवाल आप लोग ऐसे पूछ रहे हो जो मैंने पहले दे चुकी हूँ शायद कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं डेटिस पूछ रहे हैं तो आपको देखो यार पहले देख लेना वरना एक ही बात रिपीट कर करके मैं खुद थक जाऊंगी बच्चे भी बोलेगे मैम एक ही बात रिपीट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हो मैराथन वाला देख लू आपका पांच हां भाई चलेगा बिल्कुल चलेगा कर लो कुछ करो इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो कौन सा आ, शायरी सुनाई जो बच्चे बोल रहे ना ये कर लू चलेगा क्या वो कर लू करो वो इम्पोर्टेंट है ठीक है मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं ठीक है तो हाथ पैर मारो कुछ तो करो मैराथन देखो कम से कम हो जाएगा काम एटलीस्ट मार्क्स उसको नहीं मिलेगे जो बुक तक नहीं खोल रहा है जो कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहा है जो वीडियोस नहीं देख रहा है मैराथन भी कुछ नहीं देखा है समझे क्या करो इंपॉर्टेंट वो है क्या करना है भाई बस मोबाइल में वीडियो चलाना है और मस्त चिल मार के बैठ के सुनना है सब काम मैंने उधर कर रखी हूं नोट्स लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रही हूँ चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ बस आपको फोकस के साथ सुनना है इतना आसान कर दिया गया है उसमें ठीक है डोंट वरी मतलब कुछ बच्चे बोल रहे थे ना तो और क्या बोल रहे हो स्पीच राइटिंग में ना देखो आपके ना इंग्लिश के पेपर में कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत बार देखी गई है जैसे कि नेचर से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं मतलब बहुत इन द सेंस हर साल क्वेश्चन आते हैं या तो फिर ये पर्सनल रिस्पॉन्स में कहीं पूछ देगा या तो ये आपको कहीं राइटिंग स्किल में पूछ लेगा है ना स्पीच राइटिंग में आ गया या एक्सपांशन में आ गया तो नेचर के ऊपर आता है नेचर में इन द सेंस जैसे कि पे सेफ वाटर आ गया सेफ रिवर आ गया एयर पे आ गया कोई भी नेचर के रिसोर्स पे आ गया ठीक है तो एक तो कुछ चीज कुछ ऐसी बोलते हैं ना एक पंक्ति कुछ ऐसा नेचर के ऊपर याद कर लोगे ना काम ही आएगी आपके पेपर में रिपीट होती है कंजर्वेशन वगैरह आई गेस अभी सब मेजर डाउट एंड हो चुके हैं बच्चों के अब जो छोटे मोटे डाउट है यार वो सब टाइम <laughs> मैनेजमेंट में बता दी हूँ थर्टी फोर्टी थर्टी थर्टी फोर्टी समझने वाले बच्चे समझ गए हो गए जो भी बच्चे पेन पेंसिल वाला आंसर पूछ रहे हैं सबसे पहले आंसर मैंने उसी का दी थी सेशन में क्या बात है संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है देखो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो निकले गए टॉपर्स ठीक है तो मेरे को कांटेक्ट करना जरा मैं आपका सम्मान करूंगी ना इंग्लिश के टीचर हूँ तो मैं जो बच्चे हाई मार्क्स लाए महाराष्ट्र में उनका फैसिलिटेशन तो करना बनता है इंग्लिश टीचर के द्वारा तो, तो फिर से आपको मेरा नंबर दे रही हूँ नाइन सिक्स वन नाइन वन टू डबल सिक्स फाइव फोर इंग्लिश का मतलब आपका जब रिजल्ट निकल जाएगा पेपर वेपर दे के आराम से बोर्ड पेपर हो गया आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट आया इंग्लिश में आपके नाइन्टी फाइव मार्क्स आए या नाइन्टी फोर आए नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन ऐसे कोई भी अगर आपके मार्क्स आए हैं तो मुझे आपका रिजल्ट का स्क्रीन शॉट व्हाट्सअप नंबर पे ये वाले भेजना अब भी अभी नंबर सेव कर लो नाज मैम नाम से और मेरे को एक हाई भी भेज दो ताकि मैं भी आपका नंबर सेव करूँ नहीं फेल तो कोई नहीं होगा देखो यार फेल नहीं होगा इतनी भी इतना भी नेगेटिव मत सोचो यार इतना नहीं मेरे को नहीं लगता कोई फेल होगा जस्ट पास तो भाई धक्का मार मार के एग्जामिनर आपको करवा ही देगा धक्का मार मार के करवा देगा दूसरे पेपर में शायद आप फिजिक्स में कैसे मान लो बीस मार्क्स लेके आए पूरा इंटरनल इंटर मिला के तो वहां पर पॉसिबिलिटी हाई इंग्लिश में तो भाई मेरे को नहीं लगता कोई फेल होना चाहिए पैसेज है क्या क्या नहीं है जहाँ पे आप ओन वर्ड से तुक्के लगा लगा के कुछ भी लिख सकते हो ठीक है बस सोना नहीं एग्जाम में कितने बच्चे होते हैं ना स्वैग के लिए एक डेढ़ घंटे में निकल जाते बैग लेके अपना क्यों निकलते भाई तुम लोग इतना जल्दी बिना तीन घंटे तक बैठे रहने का पेपर में टाइम दिया गया ना यूटिलाइज करो पेपर खत्म भी हो गया तो बैठे रहो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो हाईलाइट करो चीजों को हेडलाइन को बोल्ड करो डार्क करो निकलो मत जब तक एग्जामिनर आपके हाथ से पेपर नहीं लेता है ठीक है और हाँ सेंटेंस पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना है मैम अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन टेबल में रहा और उसको थियोरी में लिख सकते हैं क्या तो देखो आपको अंडा तो नहीं मिलेगा बट एग्जामिनर आपके एक से दो मार्क्स काटेगा ठीक है क्योंकि आपने फॉर्मेट के साथ खिलवाड़ करे आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका थर्ड पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है क्वेश्चन पेपर मैंने अभी आपको सैंपल पेपर में भी वही चीज बताई थी टेबल बनाए तो टेबल ही बनाना पड़ेगा ठीक है एप्रिसिएशन पैसेज में लिखना है मैं बोल बोल के थक गई भाई साहब मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख देती हूँ एप्रिसिएशन इज इक्वल टू पेरे ठीक है अब जो भी बच्चा आ रहा है देख के समझ जाओ पैराग्राफ में लिखना है हम्म बस मेरे को लगता है बस अभी बाकी सब जो भी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले आंसर दे दी हूँ इसी सेशन में वो ही रिपीट हो रहा है कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मेरे को आई एम नॉट गेट एंटोनिम एंड का हम क्या करें जो चैप्टर्स में से आप पोयम में तो देखो एंटोनिम सिनोनिम नहीं आएगा डोंट वरी पोयम्स में से आपको कोई भी हार्ड वर्ड नहीं पूछे जाएंगे चैप्टर्स में पूछे जाते अब इस मोमेंट में मेरे को नहीं लगता ये वर्थ इट है कि आप हर एक चैप्टर के हार्डवर्ड याद करने जाओ फॉर वन मार्क्स बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा सब कुछ पढ़ के हो गया है अब मैं थोड़ा टाइम हार्डवर्ड को भी दे देता हूं तो आप कर सकते हो अपने इंग्लिश के सिलेबस में आपने देखे हो कि बुक के कोने में ब्लू कलर के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स के हार्डवर्ड दिए गए उसको आप बस एक बार रीडिंग दे दो रटो मत बैठ के एक बार हल्का फुल्का देख लो दूसरी बार भी देखो दो बार देखो बस माइंड को एक बार बस वो हो कि हाँ बट स्टिल मेरे को नहीं लगता ये वर्थ इट है इस मोमेंट में अगर आप ये चीज में एक महीने पहले पूछते तो मैं आपको रिकमेंड करती कि आप करो ठीक है और ये जरूरी भी नहीं आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा एंटोनियम सेनोनियम कभी आता है कभी नहीं आता है तो ये भी है पिछले साल का जो हाईएस्ट इंग्लिश मार्क्स था वो 96 था जहाँ तक मैंने जितने भी बच्चों के मार्क्स देखी थी 96 के ऊपर मैंने इंग्लिश में किसी के मार्क्स नहीं देखी तो 97 भी मिलता है ठीक है क्योंकि मतलब दो साल पहले तीन साल पहले के उसमें मैंने 97 भी देखी हूँ बच्चों के मार्क्स पिछले साल तो नाइन्टी हाईएस्ट था तो अगर आप 97 लाते हो तो आप टाई में रहोगे 98 मार्क्स अगर आप लाते हो इंग्लिश में जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रेयर है तो यहाँ पे आपको आप बोल सकते हो आप रिकॉर्ड ब्रेकर रहोगे महाराष्ट्र के इंग्लिश सब्जेक्ट में एन एक चीज याद रखना आपका जो रैंक निकलता है वो सब्जेक्ट वाइज भी निकलता है ठीक है कि इंग्लिश के पेपर में महाराष्ट्र में कौन से टॉप फाइव स्टूडेंट है जिसने हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं फिजिक्स में कौन से सब्जेक्ट टॉपर्स है केमिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट टॉपर्स है बायोलॉजी में कौन से तो ये भी आपको एक एक ओवरऑल ओवरऑल टॉपर टॉपर निकलता निकलता है है याद रखना एक निकलते है, जिसका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आया है और फिर सब्जेक्ट टॉपर्स निकलते हैं ये भी याद रखना और उनका बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र बोर्ड सम्मानित करती है उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको कैश प्राइज मिलता है तो कोशिश करो यार कि आप अपने क्लासरूम से बाहर निकल के आपके क्लास में तो पचास से साठ स्टूडेंट्स बैठे हुए सिर्फ उनके साथ कॉम्पिटिशन मत लगाओ आप अपना कॉम्पिटिशन इस महाराष्ट्र में बैठे वो सारे दस लाख बच्चों से लगाओ जिसको आप कंपीट करके फर्स्ट से लेकर टेंथ रैंक के अंदर आ सकते हो जैसे आप नीट एग्जाम में देखते हो आप थोड़ी अपने क्लासरूम वाले से कंपटीशन लगाते हो क्या मेरे मैं जो कोचिंग क्लास में लगा जाता हूँ उधर पे पचास स्टूडेंट है उसमें से मेरे को हाईएस्ट लाना है नहीं आपका क्या गोल होता है मेरे को ऑल इंडिया रैंक ए आई आर में से आना है इतना रैंक लाना है जे डबल में एम एच सी टी में वैसे ही महाराष्ट्र का भी देखो ठीक है एच एस सी इज स्टेट लेवल एग्जाम याद रखो ये स्टेट लेवल है बच्चे टीचर्स सब इसको हल्के में लेते हैं बट मेरे को लगता है अगर जो बच्चा आगे जाके सब करने वाला है मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाला है मतलब अपार्ट फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम वगैरह वगैरह तो उसको हेल्पफुल रहता है ओके यस यस यार अभी भी स्टडी करके आप ला सकते हो अच्छे मार्क्स बहुत सारे बच्चे देखो आप अकेले नहीं हो ये चीज याद रखना ठीक है दस लाख बच्चे हैं महाराष्ट्र में कितने बच्चे ऐसे आपको लगता है जो अब तक शायद इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे बहुत से बच्चे बहुत से वो लोग नीट वाले हो सकते जेडबल वाले या कुछ तो भाई ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो तो स्टिल यू हैव टू डेज एक दिन के अंदर होता है चौबीस घंटा तो आपके पास है फोर्टी एट आवर्स फोर्टी एट आवर्स में से आप सोलह घंटे हटा दो अपने नींद के कितना हो गया फोर्टी एट में से सोलह निकल गया तो ठीक है 48 में से हम नींद को नींद के घंटे माइनस कर रहे हैं दो दिन का आठ आठ घंटा सोलह घंटा माइनस तो अपने हाथ में थर्टी टू आवर्स है थर्टी टू आवर्स ये जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स है इसके अंदर से भी चलो हम जो है अ क्या करते हैं बारह घंटे निकाल लेते हैं बस बारह घंटे मैंने आपके निकाल दी क्या चीज के खाने पीने के आपके नहाने धोने के यहाँ वहां मम्मी डैडी घर वालों से बात करने के बारह घंटे बहुत एक्सट्रीम निकाल दी उसके बाद भी कितना बचा ट्वेंटी आवर्स आपके हाथों में है प्रोडक्टिव अब ये एक एक घंटे का आपने ट्रैक रखे ठीक है सब कुछ हटाने के बाद खाना पीना नहाना धोना बातचीत सोना आपके पास बीस घंटे है अगर आपने ये 20 घंटे को एकदम ट्रैकिंग के साथ प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करें तो इट इज स्टिल पॉसिबल डेट यू कैन डू स्मार्ट स्टडी एंड एंड मोमेंट में आप बाजी मार सकते हो तो 20 घंटे में अगर आप पांच घंटा नॉवल को दे दिए फाइव आवर्स नॉवेल को दे दिए ठीक है आपने तीन घंटे राइटिंग स्किल को दे दिए बीच बीच में ब्रेक भी है वो बारह घंटे में आप ब्रेक भी पकड़ लो और आपने पांच घंटे चैप्टर्स को दे दिए कितना हो गया 13 घंटे अभी भी आपके हाथ में आठ घंटे बचे हुए सॉरी 7 आवर्स बचे हुए इसमें से मान लो आपने टू आवर्स कोएम फटाफट हो जाती है कोएम हो गई अब पांच घंटा और बचा है इसमें आप क्या करोगे क्वेश्चन आंसर देखे रिवीजन करें तो इट इज स्टिल पॉसिबल यहां पे देखो एंड मोमेंट में सब कुछ हटाने वटाने के बाद एकदम प्रॉपर ये का ट्रैक अगर आपने लग दिया ना कि पांच घंटे में नॉवल खत्म करने का टारगेट रखता हूँ फटाफट यूट्यूब में लगाता हूँ नॉवल मैराथन देखता हूँ बैठ के तीन घंटे में राइटिंग स्किल खत्म करने टाइमर लगाओ शुरू हो जाओ पांच घंटे में चैप्टर खत्म करने सारे टारगेट बनाओ खुद के माइंड को ये बोलो तो सही पहले कि ये मेरा गोल है मेरे को करना है तो वो रेडी होगा ठीक है तो यस इट इज स्टिल पॉसिबल यू कैन डू इट जस्ट स्टार्ट स्टार्ट करो यार स्टार्ट करो प्लीज टाइम नहीं है अभी स्टार्ट कर दो प्लानिंग एक पेन पेपर लो प्लानिंग बनाओ और शुरू हो जाओ मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है एक घंटा हो गया है मैंने आप लोग के बहुत सारे सवाल के आंसर दे दी हूँ एंड uh, uh, मेरा व्हाट्सअप चैनल अगेन मैं वहां पे मैं व्हाट्सअप चैनल के बारे में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वहां पे सारे अपडेट्स देने वाली हूँ ये दो दिन में अपना मैराथन जो है ग्रामर का वो कितने बजे आने वाला है बाकी के चीजें कब कैसे आने वाली है लिंक्स सब कुछ व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करूंगी ठीक है तो वहां पर जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी और सैम्पल पेपर अभी भेजने वाली हूँ जस्ट एक घंटे के अंदर तो उसको सॉल्व करके आप मेरे को कल रात तक इस नंबर पे भेज देना पीडीएफ बना के मस्त मजा आएगा ओके बाय बाय एवरीवन टेक केयर आई लव यू ऑल आई आई बिलीव डेट इस मेरे बैच के सारे स्टूडेंट इस साल के आप लोग फोड़ के आओगे ठीक है बेस्ट दोगे अपना कॉन्फिडेंस रखो यार ठीक है सत्रह साल सोलह सत्रह साल इस धरती पर रहे हो बहुत एक्सपीरियंस हो ठीक है पहली दूसरी तीसरी क्लास पांचवी क्लास दसवीं क्लास पार किए ग्यारहवीं क्लास पार किए आज बारहवीं क्लास में आके आपको फिर वही चीज करनी है तो कोई न्यू चीज नहीं है ये आपके लिए बस ये थोड़ा सा हवा बना दिया जाता है ठीक है कि भाई बोर्ड्स है बोर्ड्स है बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ क्वेश्चन पेपर जिसका आपको आंसर लिख के आना है लिखित फॉर्म में ठीक है अगर आप लॉजिकली देखा जाए देखा तो जो आप पिछले दस साल से करते आ रहे हो वही चीज होने वाली है ये न्यू बस इसलिए होने वाला है क्योंकि आप अपने कॉलेज में नहीं किसी और के कॉलेज में जाके पेपर लिखोगे बट अपने माइंड को ये बोलो कि भाई पिछले दस साल से एग्जाम देते आ रहा हूं ये भी दे दूंगा ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पिछले बार जितने भी एग्जाम दिए हो आपको खुद पता होगा कि मैंने क्या गलती किया था इस साल आपने अगर गलती किए थे प्रीलियम में कि आपको आंसर आते थे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था इस बार वो गलती मत होने देना पहले अपनी गलती भी ना चार पाँच ज्यादा गलती नहीं निकलेगी चार से पांच गलती आपकी निकलेगी उसको लिखो पहले पेज में कि ना प्रियम के एग्जाम में या दसवीं के पेपर में ना मेरा पेपर छूटा था बहुत रिग्रेट हुआ था इस बार मैं पेपर छूटने नहीं दूंगा प्रॉब्लम लिखे फिर उसका सोल्यूशन निकलेगा और क्या हुआ था भाई मैं ना लेट पहुंचा था यार ग्यारह बजे का पेपर था एक पहले पेपर में ही लेट हो गया था जिसकी वजह से मेरे को बहुत एंजाइटी हुई थी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था मेरे को आंसर अच्छे से मैं नहीं लिख पाया इस बार ना लेट नहीं होगा एकदम टाइम पे पहुंचूंगा समझे ऐसा क्या प्रॉब्लम आपने क्या मिस्टेक पहले किए थे फिर उसका सोल्यूशन निकालो इस बार वो गलती नहीं करेगी ठीक है टेंथ में ना पढ़ा सब कुछ था बस मैं कुछ दिन है अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा एग्जाम खत्म होगा ना कभी ना कभी चुटकियों में तो अब भी तो निकल अब भी आप सोचो दसवीं में थे ग्यारहवीं में बारहवीं में आ गए छुटकी में पेपर खत्म हो जाएगा बोलो अपने आप को कि एग्जाम के बाद जो भी टाइम पास करना है करूंगा इस वक्त मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल है पूरा फोकस लगाना पढ़ाई पे तो ये सब चीज अगर आप बैठ के करते हो प्रॉपर तरीके से तो सब आसान हो जाएगा आपका माइंड आपका सपोर्ट करेगा क्योंकि आपने अपने माइंड को ये सब बात बोले हो बैठ के नेगेटिव चीज मत बोलो ठीक है तो और फिर नेगेटिविटी के सब सेक्शंस खोले जैसे आप बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलती हूँ नेगेटिव वरना फिर वो आपके दिमाग में जाएगा <laughs> तो नेगेटिव बोलती नहीं हूँ पॉजिटिव की बात करती हम सब पॉजिटिविटी के साथ जाए अपना पेपर लिखे ठीक है यू हैव चांस बाउंस बैक करो पूरा फोकस लगाओ पढ़ाई पे कल हम मिलेगे अभी ग्रामर के मैराथन में एंड अगेन जब आपका पेपर हो जाएगा तो मैं फिर से लाइव आऊंगी मतलब दो बजे आपका पेपर ख़त्म होगा मेरे को ही पता है वो हलचल जो मेरे दिल में मचती है हर साल इस साल भी होगा आपका ग्यारह बजे पेपर होगा मैं यहाँ पे सोच रही होंगी कि यार इन लोग के हाथ में पेपर आ गया होगा कैसा क्वेश्चन पेपर है इन लोग कैसे लिख रहे हो ये वो ये वो चल रहा होगा फिर दो बजे आपका पेपर खत्म होगा एंड आई विल बी लाइक मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजो जल्दी आप लोग मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजना बोर्ड एग्जाम का देन मैं लाइव आऊंगी हम उसको चर्चा करेंगे सॉल्व करेंगे देन बस यार फिर आपका इंग्लिश की कहानी खत्म आप साइड कर दोगे इंग्लिश एज बुक को फिर कभी देखोगे भी नहीं राइट फिर बाकी सारे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे बट शफक मैम को नहीं भूलेगा कोई ठीक है और ना ही मैं आप लोग को भूलूंगी ओके क्योंकि अपन स्पोकन इंग्लिश पे भी काम करेगा आपके वैकेशन जैसी बोर्ड एग्जाम एंड होगा ना शफक मैम फुल फॉर्म के साथ फिर से आएगी आप लोग की स्पोकन इंग्लिश सुधारने के लिए ठीक है तो मजा आने वाला है एंड यस बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है यार इस साल बहुत आप लोग बहुत प्यारे स्टूडेंट हो बस दो दिन और है दो दिन बस दो दिन और यस चलो टेक केयर आई लव यू ऑल मिलते हैं कल मैराथन में टेक केयर ऑल द बेस्ट दिन डू योर बेस्ट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एक यूट्यूबर हूँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तो निकल ही जाता है जाने से पहले पूरे सेशन में निकला लेकिन एंड में याद आया मेरे को बराबर तो यार लाइक कर दो यस थैंक यू एवरीवन जो भी बच्चे यहां पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच यस यस बिल्कुल यार आप लोग के लिए दुआ तो दिल से निकलती रहती है आप लोग जब पेपर लिख रहे हो ना मेरा यही चल रहा होगा यार जो भी बच्चे ने जो भी आंसर याद करके गया वो भूले ना वो लिखे फटाफट अगर भूल भी गया तो उसको याद आ जाए डोंट <laughs> वरी तीन घंटा आप सबके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती रहेगी तो